श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे ध्यान देने के लिए कुछ 10 सरल उपाय या सुझाव। ध्यान मतलब मेडिटेशन। अभी अक्सर आपने महसूस किया होगा कि जब आप आंखें बंद करके शांत बैठने की कोशिश करते हैं पर आप शांत बैठ नहीं पाते, आपको आंखें बंद करना बड़ा कठिन लगता है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि आप दुनिया के पहले ऐसे इंसान नहीं है जिनको ये कठिन लगता हो। अक्सर जब हम ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं तो हमारा जो मन है वो इधर उधर विचरण करता ही करता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए हम आपको कुछ सरल उपाय बताने जा रहे हैं। ये उपाय उन लोगों के लिए है जो ध्यान की शुरुआत करने जा रहे हैं। इन अभ्यासों को नियमित रूप से अपनाएंगे तो आप निश्चित ही शांत मुद्रा में ध्यान लगा सकेंगे। मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा 10 सरल सुझाव दूंगा। विपस्सना ध्यान कैसे करें उसकी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, ध्यान एक विश्राम का समय है, इसलिए मेरे हिसाब से ध्यान को सुविधाजनक रूप से करना लाभकारी होता है। आपको ऐसे समय का चुनाव करना चाहिए जिसमें आपको कोई बाधा ना हो तथा आपको कोई परेशान ना कर सके और आप विश्राम और आनंद के साथ ध्यान की यौगिक क्रिया को पूरा कर सके। सूर्योदय और सूर्यास्त, ये दोनों समय इसका अभ्यास करने के लिए आदर्श समय है। फिर शांत एवं स्वच्छ स्थान का चुनाव करें। सुविधाजनक समय के साथ साथ आपको सुविधाजनक स्थान का चुनाव करना भी अत्यंत आवश्यक है। आप ऐसे स्थान को चुनें जहां आपको कोई परेशान न कर सके। शांत और शांतिपूर्ण वातावरण ध्यान की यौगिक क्रिया के लिए सबसे उत्तम है। यह ध्यान के अनुभव को अत्यंत आनंदमय एवं सुखदायी बनाता है। आपको बिल्कुल आराम की मुद्रा में बैठना है। मेडिटेशन सुटेबल सिटिंग पोजिशन। ध्यान की यौगिक क्रिया पर आपके विश्राम की मुद्रा का बहुत प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले आप यह सुनिश्चित कर लें कि आप आराम से सुखद और स्थिर हैं। आप हमेशा सीधे समानांतर बैठे और आपकी रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहे। आप अपने कंधे और गर्दन को विश्राम की अवस्था में रखें, अर्थात आप अपने कंधे और गर्दन को ढीला छोड़ दें और पूरी प्रक्रिया के दौरान आप अपनी आंखें बंद ही रखें। ध्यान की क्रिया के दौरान आपको पद्मासन यानी कमल मुद्रा में बैठना चाहिए। एक चीज और आपको ध्यान रखना चाहिए कि ध्यान करते समय आप खाली पेट रहें, यह बहुत जरूरी है। भोजन के समय, भोजन से पहले ही ध्यान करना चाहिए क्योंकि भोजन से पहले का समय ध्यान करने के लिए अच्छा होता है, क्योंकि एक बार आपने अगर भोजन कर लिया तो भोजन के बाद में आपको निद्रा लग सकती है ध्यान के वक्त। लेकिन जब आपको तीव्र भूख लग रही हो तब ध्यान करने का अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि भूख की एंटन के कारण आपको ध्यान की यौगिक क्रिया करने में परेशानी होगी और ऐसा भी हो सकता है कि पूरे समय आप मात्र खाने के बारे में विचार करें। यदि आपको तीव्र भूख लगी है तो आप भोजन के 2 घंटे उपरांत ध्यान कर सकते हैं। फिर ध्यान की क्रिया को हमेशा वार्म अप से शुरू करें। आपको ध्यान की शुरुआत से पहले थोड़े समय का वार्म अप या सूक्ष्म योग करना जरूरी होता है, क्योंकि थोड़ी देर का वार्म अप अथवा सूक्ष्म योग ध्यान से पहले करने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें सुधार होता है, शरीर से जड़ता और घबराहट दूर हो जाती है और शरीर में हल्केपन का अनुभव होता है, जिस कारण आप स्थिरता के साथ अधिक समय अंतराल तक ध्यान के लिए बैठ सकते हैं। ध्यान से पहले आपको लंबी लंबी सांसें लेनी चाहिए करके, यह ध्यान को आसानी से करने की तैयारी है। ध्यान करने से पहले लंबी लंबी गहरी सांसें लेना और छोड़ना एवं नाड़ी शोधन प्राणायाम को करना काफी ठीक रहता है। इससे आपकी श्वास की जो लय है वो स्थिर हो जाती है और मन आसानी से शांतिपूर्ण ध्यान में लगा रहता है और उस अवस्था की ओर चला जाता है। अपने चेहरे पर हमेशा मीठी मुस्कान को बनाए रखें। ध्यान करते समय आप अपने चेहरे पर हमेशा मीठी मुस्कान को बनाकर रखें, जिससे आप महसूस करेंगे कि आपका मन प्रसन्नता से भर गया है। एक निरंतर सौम्य मुस्कान से आप आराम, आनंद एवं शांति का अनुभव करेंगे, जिससे आपके ध्यान के अनुभव की वृद्धि होगी। फिर निर्देशित ध्यान से शुरुआत करें।
नए लोगों के लिए ध्यान का अभ्यास करने के लिए निर्देशित ध्यान का सहारा लेना बहुत अच्छा होता है। इससे आपके ध्यान के अभ्यास की शुरुआत हो जाएगी। आपको सिर्फ आंखों को बंद करके आराम करना है और निर्देशों को सुनकर उसका पालन करते हुए ध्यान के अनुभवों का आनंद लेना है। इसके लिए आप ऑनलाइन गाइडेड मेडिटेशन के बारे में भी सुन सकते हैं। अपनी आंखों को धीरे धीरे सौम्यता पूर्वक खोलें। धीरे धीरे आप जैसे ही ध्यान के अंत तक पहुंचे हैं, तब आपको अपनी आंखों को खोलने में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी आंखें मंद मंद खोलनी चाहिए और अपने प्रति और वातावरण के प्रति सजग होने के लिए आपका समय लेना जरूरी है। ध्यान एक एनर्जी बूस्टर की तरह है। ध्यान एनर्जी बूस्टर के जैसे ही है। आप अपने दिनचर्या में कुछ मिनटों का ध्यान करेंगे तो आप खुद को दिन भर ऊर्जावान अनुभव करेंगे। आप अपनी दिनचर्या में ध्यान के लिए थोड़ा सा समय निकालें और अपने लिए ध्यान के आश्चर्यों का अनुभव करें। ध्यान करने से आपकी मानसिक थकान मिट जाएगी और आप दिन भर तरोताजा महसूस करेंगे। जो काम आप एक घंटे में करते हैं वही कार्य आप ध्यान करने के बाद आधे घंटे में कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।